अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ एक क्रिस्पी टैंगल्ड पोटैटो की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं, आप इनका क्रिस्प देखें। बच्चों को तो ख़ास तौर पे ये बहुत पसंद आते हैं। अगर आप बच्चों को बना के देंगी तो वो बाहर से चिप्स ख़रीद के कभी नहीं खाएंगे। इसके अलावा आप मेहमानों को भी चाय के साथ ये सर्व कर सकते हैं और ये हर मौके पर बहुत अच्छे लगते हैं। इनको बनाने के लिए मैंने दो बड़े आलू लिए हैं। आलू जो है वो लंबाई के रुख लंबे होने चाहिए क्योंकि हमने इनको लंबा लंबा काटना है। पहले मैं इनको ऐसे इनके स्लाइस कर लूँगी, इसके बाद फिर हम इसको ऊपर नीचे रख के ये सारे स्लाइस को तो फिर ऐसे बारीक बारीक जो है वो काट लेंगे। आलू जितने ज़्यादा हम बारीक काटेंगे उतने ही ज़्यादा क्रिस्पी जो है ये आलू तैयार होंगे। तो ये देखिए मैंने बारीक बारीक काट ली है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन जो चीज़ बन के तैयार होगी वो सबको बहुत पसंद आएगी। तो ऐसे ही सारे आलू जो हैं वो रेडी कर लेते हैं। आपको जो भी तरीका पसंद हो, बस आपने आलू जो हैं वो इस तरह लंबे लंबे और बारीक काटने हैं। इसके लिए आप कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। इन सबको एक बर्तन में डाल लें और इसके अलावा आप इनको पानी में भी डाल सकते हैं। पानी में एक दफ़ा डाल के तो आप इनका स्टार्च निकाल दें, इस तरह ये और ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से इस तरह न्यूट्रिएंट्स और विटामिन जो है बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाते हैं, तो मैं इस तरह नहीं करूँगी। तो ये दूसरा तरीका ये कद्दूकश करने का है, इसको आप ग्रेट कर लें। ये देखें, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो ज़ोर लगाना पड़ता है, लेकिन इससे भी हो जाते हैं। ये देखिए ये कितने अच्छे से हो गए हैं। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। और अगर आप इसको इजी बनाना चाहते हैं तो आप आलू जो है उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लें। दो हिस्सों में डिवाइड करके जब आप उसको करेंगे तो ये इजीली जो है वो ग्रेट हो जाएंगे और आपको ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा। तो ये देखिए मैंने आलू को दो हिस्सों में डिवाइड किया है और अब ये ईज़िली ग्रेट हो रहा है। तो आप भी जब इसको ग्रेट करें तो आप पहले आलू को दो हिस्सों में डिवाइड कर लें और हाथ को ना आपने एक ही रुख में चलाना है, इस तरह ऊपर नीचे नहीं करना। जब आप ऊपर आलू रखेंगे तो इसको नीचे तक लेके जाना है, इस तरह आपके लंबे लंबे जो पीसीस हैं वो निकलेंगे। इसको आप ध्यान से देखें और बिल्कुल ऐसे ही करें जैसे मैं कर रही हूँ। दूसरे मेथड से ये ज़्यादा मेथड जो है वो ईजी है। तो ऐसे हम सारे आलू तैयार कर लेते हैं। ये मेरे सारे तैयार हो चुके हैं, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। आलू को मैंने बाउल में डाल दिया है, तो अब इसके अंदर हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक जो है वो अपने हिसाब से डालें, तकरीबन 1/4 टीस्पून या 1/2 टीस्पून आप डालें, ये आपकी अपनी चॉइस है। और अगर आप थोड़ा सा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप इसके अंदर 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। तो अगर आप स्पाइसी नहीं पसंद करते तो आप इसके अंदर 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाल लें। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसमें मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और 1 टेबलस्पून बेसन डाला है। तो अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं और मिक्स करके देखते हैं कि हमें और कॉर्नफ्लोर या बेसन डालना है या नहीं। तो इसको अच्छी तरह मिक्स करें। तो अभी मेरे ख्याल में इसके अंदर हम थोड़ा सा और डालेंगे, तो मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और 1 टेबलस्पून बेसन जो है वो और डालने लगी हूँ। तो इसको आपने इस तरह चेक करना है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा हमने कॉर्नफ्लोर बेसन नहीं डालना, इनको यानी सिर्फ थोड़ा सा ना इनके ऊपर कोटिंग हो जाए और ज़रा ज़रा से ये आपस में चिपक जाए, बस इतना सा ही हमने डालना है, हल्की सी कोटिंग करनी है बस। जब भी आप इस तरह के आलू बनाएं तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, थोड़ा थोड़ा डाल के तो आप चेक करें। अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ और इसके बाद मैं चेक करती हूँ। ये देखें अब इतना ही काफ़ी है। तो ऐसे आप तैयार कर लें। बहुत ज़्यादा इसके अंदर बेसन जो है वो अलग-अलग से नज़र नहीं आना चाहिए, जितना भी हम डालेंगे बस उनकी कोटिंग हो जाए। तो अगर आप इसको थोड़ा सा कलर देना चाहते हैं तो इसके अंदर थोड़ी सी टर्मरिक ऐड कर लें। ये मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली है, ये 1/4 टीस्पून के करीब। तो अब इसको भी मैं अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ। ये आपकी अपनी चॉइस है, ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें। इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लें। अगर आपने डालनी हो तो साथ ही आप पहले ही डाल लें इसको, ताकि जब आपने नमक और मिर्ची डाली हैं तो उसी टाइम पे ये जो है वो मिक्स हो जाए। ये आलू अब रेडी है। अब एक पैन में ऑयल डाल लेते हैं और मीडियम हीट पे इनको फ्राई करना है। पहले हम ऑयल को गर्म कर लेते हैं। तो ऑयल गर्म हो चुका है, मैंने चेक किया है। ये देखिए मैंने एक पीस डाला है,
तो अब हम सारे आलू जो हैं वो स्पैचुला की मदद से इसके अंदर डाल देते हैं। आपने एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने आलू को बहुत दबा दबा के एक दूसरे के साथ नहीं जोड़ना, बस ऐसे ही इनको थोड़ा सा लपेट दें और इसके अंदर डालते जाएं। बिल्कुल ऐसे ही करें जैसे मैं कर रही हूँ। तो ये जब आप डालें ना तो इनको बहुत मोटा मोटा नहीं बनाना, बल्कि इनको थिन ही रखें। जब आप इनको अंदर डालें तो इसको स्पैचुला के साथ थोड़ा सा प्रेस कर दें ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी बने। तो इसको डालते हिलाना भी शुरू नहीं कर देना, जब इनकी एक साइड पक जाए, कुक हो जाए, तो फिर दूसरी साइड जो है उसकी चेंज करें। तो ये इधर देखिए एक साइड हो चुकी है, तो अब मैं दूसरी साइड जो है वो इसकी चेंज कर रही हूँ ताकि ये दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन हो जाए। इनको गोल्डन करना है दोनों साइडों से। तो ये मीडियम हीट ही इनके लिए काफ़ी है, ये बहुत अच्छे से हो जाएंगे। तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि इनको जलाना नहीं है, जब ये फ्राई हो रही हों तो इसको साथ साथ चेक करते रहें। और जब इनकी दूसरी साइड भी हो जाएगी तो मैं इनको निकाल लूँगी। हीट जो है वो मीडियम ही है, तो आप भी अपनी हीट का हिसाब रखें क्योंकि हर चूल्हे का अपना अपना हिसाब होता है। तो आपने अपने हिसाब से इनको फ्राई कर लें। तो ऐसे ही साथ साथ आप इनकी साइडें चेंज करते रहें, इस तरह ये ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। ये देखें आप। तो ऐसे ही मैंने इनको बहुत दबा दबा के इनके अंदर नहीं डाला, बस मैंने ऐसे ही आलू को स्पैचुला के साथ थोड़ा सा लपेटा और इसके अंदर डाल दिया। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं क्योंकि ये रेडी हो चुके हैं। और इसी ऑयल के अंदर हम बाकी के बीफ ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। और एक ही दफ़ा बहुत ज़्यादा पैन में ना डाल दें, बल्कि उतने ही डालें जितने के इजीली फ्राई हो जाएं और ये मूव भी हो जाएं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा डालेंगे तो ये आपस में एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे। तो ऐसे ही अब मैंने ये दूसरे भी फ्राई कर लिए हैं, तो अब हम इनको भी निकाल लेते हैं, ये भी रेडी हो चुके हैं। तो ऐसे ही अब आपने सारे इसी ऑयल में फ्राई करने हैं। तो यकीन करें ये बहुत अच्छे और बहुत मज़े के बनते हैं। अगर आप एक दफ़ा बच्चों को बना के देंगी तो बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आएंगे और बड़ों को भी ये बहुत पसंद आते हैं। और ये देखें ये सारे मैंने फ्राई कर लिए हैं और ये देखने में भी कितने कलरफुल लग रहे हैं और ये खाने में उससे भी ज़्यादा मज़े के हैं। तो आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएंगे। और अगर आप बनाएं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कैसे बने हैं। तो साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही मैं आपके लिए अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ जो हैं वो लेके आऊँ और शेयर करूँ। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।